हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिर से नए एक वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भैया एकेडमिक कैलेंडर समझ नहीं आ रहा, समझा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एकेडमिक कैलेंडर 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एकेडमिक सेक्शन ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर है। एकेडमिक कैलेंडर फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट सीजन 2021, ये जो भी डेट लिखा है इसमें, तो वो कुछ डेट सिटीज हैं वो शुरू होंगी। सबसे पहला है 17 नवंबर से 19 नवंबर को, 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक जो है एक्टिविटीज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई स्टूडेंट, ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ बी टेक सेकेंड ईयर, लेटरल एंट्री एम टेक, एम बी ए, बी बी ए, एम सी ए, एम एस सी, पी एच डी फर्स्ट ईयर, सिर्फ बी टेक फर्स्ट ईयर। मतलब कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, केवल बी टेक फर्स्ट ईयर को छोड़ के। अगला है 23 नवंबर, कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ऑड सेमेस्टर फॉर ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इंक्लूडिंग बी टेक सेकेंड ईयर लेटरल एक्सेप्ट बी टेक फर्स्ट ईयर। मतलब ये जो 23 नवंबर मंडे को दिया है वो है कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ऑड सेमेस्टर फॉर ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इंक्लूडिंग बी टेक सेकेंड ईयर एक्सेप्ट बी टेक फर्स्ट ईयर। मतलब कि जो ऑड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस है, वो जो नए स्टूडेंट जिन नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, उन सभी का ऑनलाइन ऑड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होंगे 23 नवंबर से बी टेक फर्स्ट ईयर को छोड़ के। अगला है 26 नवंबर से 28 नवंबर तक, मतलब उसमें है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई बी टेक फर्स्ट ईयर टेंटेटिव। ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई बी टेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन है बी टेक फर्स्ट ईयर का, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन है। जो 26 नवंबर से 28 नवंबर का डेट है, इस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा बाई बी टेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का। मतलब कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन है बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। अगला है 1 दिसंबर को, तो यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे, मतलब कि इस दिन यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। अगला है 1 दिसंबर को, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ऑड सेमेस्टर और न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर, जो 1 दिसंबर को है उस दिन से ऑड सेमेस्टर का बीटेक फर्स्ट ईयर के ऑड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं। अगला है 25 दिसंबर से 26 दिसंबर को, उस दिन मालवीय जयंती मनाई जाएगी। नेक्स्ट है 28 दिसंबर को, लास्ट डेट फॉर क्विज फर्स्ट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ यूनिट फर्स्ट, 10 मार्क्स फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड बी टेक सेकेंड ईयर लेटरल। 28 दिसंबर को लास्ट डेट फॉर क्विज फर्स्ट, मतलब कि उस दिन क्विज फर्स्ट का लास्ट डेट होगा, जो आपका जो यूनिट टेस्ट है जो 10 मार्क्स का है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। अगला है 22 जनवरी 2021 फ्राइडे, लास्ट डेट फॉर क्विज सेकेंड आफ्टर कंपटीशन ऑफ यूनिट सेकेंड, 20 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ बोथ यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट ऑल फर्स्ट ईयर एंड बी टेक सेकेंड ईयर लेटर एंट्री। मतलब लास्ट डेट क्विज सेकेंड का है, आफ्टर कंपटीशन ऑफ यूनिट सेकेंड 20 मार्क्स कंप्राइज, मतलब कि जो यूनिट सेकेंड है उसमें यूनिट सेकेंड का लास्ट डेट है, लास्ट डेट रहेगा 20 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ बोथ यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड, जो 20 मार्क्स है वो आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड दोनों को मिला के 20 मार्क्स है। मतलब कि 10 मार्क्स आपकी यूनिट फर्स्ट के और 10 मार्क्स यूनिट टेस्ट सेकेंड के, जो ये लिखा है 20 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ बोथ यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो क्विज है वो सभी के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए लेटरल एंट्री के लिए। नेक्स्ट है 1 फरवरी मंडे, अराइवल ऑफ ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इंक्लूडिंग बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री टू फिजिकल अटेंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मतलब कि 1 फरवरी को उन सभी स्टूडेंट फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाना है, उन सभी स्टूडेंट को फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाकर थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास को अटेंड करना होगा। बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स भी अटेंड करेंगे। नेक्स्ट है 22 फरवरी मंडे, लास्ट डेट फॉर क्विज थर्ड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ यूनिट थर्ड, 10 मार्क्स फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड बीटेक सेकेंड ईयर। 22 फरवरी को आपका लास्ट डेट रहेगा क्विज थर्ड को, जो कि यूनिट थर्ड पूरा हो, उस दिन यूनिट थर्ड पूरा हो जाएगा जो 10 मार्क्स का रहेगा, और ये यूनिट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। 19 मार्च को है लास्ट डेट फॉर क्विज फोर्थ आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ यूनिट फोर, 10 मार्क्स फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड
बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री। अगला है 19 मार्च फ्राइडे स्टूडेंट ऑनलाइन फीडबैक आफ्टर कंपटीशन ऑफ यूनिट 4। मतलब कि जो 19 मार्च को है स्टूडेंट ऑनलाइन फीडबैक आफ्टर कंपटीशन ऑफ यूनिट 4, मतलब कि स्टूडेंट से ऑनलाइन फीडबैक्स लिया जाएगा जो कि या तो उसके यूनिट 4 जो कंप्लीट होगा आपका यूनिट टेस्ट जो चौथा जो कंप्लीट होगा उसके बाद स्टूडेंट से ऑनलाइन फीडबैक लिया जाएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम के बारे में पूछा जाए या आपके क्लासेस के बारे में पूछा जाए, किसी भी टॉपिक से आपसे फीडबैक लिया जा सकता है। अगला है 19 मार्च को लास्ट डेट ऑफ ऑड सेमेस्टर क्लासेस फॉर ऑल फर्स्ट ईयर बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री। जो 19 मार्च है उस दिन ऑड सेमेस्टर का लास्ट डेट लास्ट क्लासेस रहेगा सभी के लिए फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड बीटेक सेकेंड ईयर। 20 मार्च से 27 मार्च तक एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम, मतलब 20 से 27 मार्च तक आपका प्रैक्टिकल लास्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होगा रहेगा जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री वालों का भी रहेगा। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में मेजर थ्योरी एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आप लोग का एंड सेमेस्टर का एग्जाम चलेगा जो कि बोथ के लिए रहेगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए। अगला है 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ब्रेक फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोगों की छुट्टी हो सकती है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट दोनों के लिए ब्रेक फॉर ऑल है। अगला है 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, ये है DRC ऑफ PhD स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर। नेक्स्ट है 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर इवन सेमेस्टर 2021 ऑल फर्स्ट ईयर एंड बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री, मतलब कि 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल को आपका इवन सेमेस्टर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स दोनों के लिए। अगला है फर्स्ट में 1 मई कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर इवन सेमेस्टर, मतलब कि आप लोग का इवन सेमेस्टर का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 1 मई से फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकेंड ईयर दोनों का। 3 मई मतलब 3 मई को रजिस्ट्रेशन विथ लेट फी, जो भी 3 मई को आपका रजिस्ट्रेशन होगा लेट फी। अगला है 19 जून जो कि लास्ट डेट फॉर क्विज फर्स्ट वाइबा एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रैक्टिकल क्लासेस। 19 जून को आप लोग का क्विज फर्स्ट का लास्ट डेट रहेगा, उस दिन आपका वाइबा एग्जाम हो सकता है ऑफ ऑल प्रैक्टिकल वाइबा एग्जाम होगा प्रैक्टिकल क्लासेस सभी प्रैक्टिकल क्लासेस। अगला है 21 जून से 28 जून तक माइनर टेस्ट मिड टर्म टेस्ट। 21 जून से 28 जून की जून से 28 जून तक आप लोग का माइनर टेस्ट चलेगा मिड टर्म एग्जाम। अगला है 14 अगस्त लास्ट डेट फॉर क्विज सेकेंड लास्ट डेट फॉर स्टूडेंट फीडबैक, क्विज सेकेंड का लास्ट डेट रहेगा और स्टूडेंट से फीडबैक लेने के लिए भी लास्ट डेट रहेगा 21 जून जो कि है 14 अगस्त को लास्ट डेट फॉर एंड सेमेस्टर क्लासेस सेमेस्टर का लास्ट डेट रहेगा, एंड सेमेस्टर क्लासेस होगा 14 अगस्त को लास्ट डे रहेगा एंड सेमेस्टर क्लासेस का। अगला है 16 अगस्त से 21 अगस्त तक एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एंड सेमेस्टर का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 16 अगस्त से 21 अगस्त तक। 23 अगस्त से 8 सितंबर तक आप लोग का मेजर थ्योरी एग्जामिनेशन होगा और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। अगला है 13 सितंबर से 14 सितंबर जो कि DRC और PhD स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर। नोट में पहला लिखा है अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोग्राम, मतलब कि लिखा है क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी जिस प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर्स करेंगे उसी के अगले दिन से आपका जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा है 1 एक्स्ट्रा पीरियड इज असाइंड फ्रॉम 8:30 टू 9:20 AM फॉर द कंपनसेंट्री एक्स्ट्रा क्लासेस एंड टीचर शैल कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ सेम, मतलब कि आप लोग के एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग सकते हैं जो कि 8:30 से 9:20 तक चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन से अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।